नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैरिकेड्स लगाए गए। बड़े नेता जहां मौन है, वहीं कुछ नेताओं ने मोदी नाम की माला उठा रखी है। क्या इससे ज्यादा उम्मीद थी कि और ज्यादा सीटें आ सकती थी? बेस अटैक में टीम इंडिया के इकलौती उम्मीद नजर आ रहा है। पहली बार इंदिरा जी को बताया होगा कि वो एक विदेशी महिला से शादी करना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखे। 60 साल का जमाल मलिक मुंबई के जुहू इलाके में बड़ा हुआ। अयोध्या विवाद को भुनाने में सियासतदान भी पीछे नहीं रहे। इरफान हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। बिरंगी रंगोली किसी भी मांगलिक अवसर को और भी शुभ बना देती है। नमस्कार, 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु सिंह। मोदी के नाम पर महाकुंभ में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का मंथन जारी। 7 फरवरी को बीजेपी संघ और वीएचपी की होगी बैठक। जेडीयू ने फिर मोदी का किया विरोध। 12 फरवरी को मोदी कुंभ में लगाएंगे डुबकी। पूरे उत्तर भारत में मौसम का अचानक बदला मिजाज। दिल्ली में फरवरी के महीने में बारिश का 71 साल का रिकॉर्ड टूटा। मैदान से लेकर पहाड़ तक जनजीवन अस्त व्यस्त। बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली और उत्तर भारत में मौसम की मार की। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी के अंदर खाने में उठा पटक जारी है। बड़े नेता जहां मौन है, वहीं कुछ नेताओं ने मोदी नाम की माला उठा रखी है। लगातार हम इंडिया गेट पर बने हुए हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है, तरुण कालरा, सिद्धार्थ शर्मा और लाइव इंडिया के एडिटर इन चीफ सतीश के सिंह, जो कि खुद यहां पर सारा दिन मौजूद थे और उन्होंने तमाम बातें हम तक पहुंचाई, आंखों देखा हाल बयां किया कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश देखने को मिला और ये आक्रोश किस तरीके से एक वक्त पर विस्फोटक हो चला था। पुलिस के तमाम जो प्रयास थे वो भी काम नहीं आ रहे थे, चाहे वाटर कैनन की बात करें, लाठी चार्ज की बात करें, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन एक वक्त पर ये तमाम प्रयास फेल नजर आए थे। सतीश जी, आप भी यहाँ पर मौजूद थे और हमने देखा कि दिन ढलते ढलते ऐसे हालात बन गए कि जो प्रदर्शनकारी थे वो संसद भवन के गेट तक चढ़ गए। मुझे लगता है कि आज तक ऐसा शायद कभी नहीं हुआ होगा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले शिंदे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे। इस वक्त गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुलाकात चल रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि दिल्ली में फिलहाल जो हालात विस्फोटक हो गए हैं, उनके लिए क्या कदम उठाए जाएं। संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, बताएं कि इस मुलाकात के क्या मतलब निकाले जाएं, कौन कौन से वो बिंदु होंगे जिन पर चर्चा होगी। सियासत की बिसात पर हिंदुत्व की हुकार। जी हां, बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि राम मंदिर को लेकर प्रतिबद्धता बीजेपी की बनी हुई है। पहले चोरी और फिर सीनाजोरी की कहावत पर चलते हुए पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच चलने वाली बस सेवा पर रोक लगा दी है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बाद अब टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम की चुनौती है, जहां सीरीज के आगाज से पहले ही टीम इंडिया का पेस अटैक पस्त पड़ा है। यहां रहती है इंदिरा जी की बहू सोनिया गांधी। 10 जनपद से गुजरते वक्त मेरे मन में सवाल उठा कि जब राजीव गांधी ने पहली बार इंदिरा जी को बताया होगा कि वो एक विदेशी महिला से शादी करना चाहते हैं, तो इंदिरा जी ने क्या कहा होगा? क्या खुले विचारों वाली इंदिरा जी ने झट से बेटे के फैसले पर हामी भर दी थी? क्या हुआ था उस दिन, आपको बताते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों की जब भी बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाती है। कहा जाता है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। इस साल हमने कई ब्रेकिंग न्यूज की, यानी वो खबरें जो कि एक्सक्लूसिवली हमारे पास थी और सबसे पहले लाइव इंडिया ने वो खबरें आप तक पहुंचाई। कई खबरें ऐसी थी जिनमें लाइव इंडिया ने लीड किया, और उन खबरों को भला हम कैसे भूल सकते हैं जिनको लेकर आपने हमें सबसे ज्यादा प्यार दिया। तो चलिए उन तमाम यादों को एक बार फिर ताजा करते हैं, जिसकी चर्चा आज देश के हर शहर, मोहल्ले और घर घर में है। 18 साल का जमाल मलिक मुंबई के जुहू इलाके में बड़ा हुआ और आज एक जाने माने टीवी क्विज शो में अपना हुनर दिखा रहा है। जमाल मलिक अब तक इस शो में 1 करोड़ रुपए जीत चुका है और महज एक सवाल की दूरी पर पान सिंह तोमर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इस फिल्म में इरफान के किरदार ने सिनेमा हॉल में दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया है। जिस पृष्ठभूमि पर यह फिल्म बनी है वहां की बारीकियों को बहुत अच्छे से उकेरा गया है, लेकिन इसके अलावा भी जब हम फिल्म देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक फौजी वो डाकू बन जाता, डाकू नहीं बागी।
ये रंग बिरंगी रंगोली किसी भी मांगलिक अवसर को और भी शुभ बना देती है। और अगर आप चाहते हैं कि दीपावली पर आपका भी आंगन गुलजार हो जाए ऐसी ही रंगोली से, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप बना सकते हैं महज 5 मिनट में इतनी खूबसूरत झटपट रंगोली। महिलाओं की सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि किस तरह की ज्वेलरी वो खरीदे ताकि वो अपने आप में दिख सके सबसे अलग। अब नवाबी ठाट बाट चाहिए तो थोड़ी जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी। आप भी चाहते होंगे कि आपका घर रोशन हो उठे इस दीपावली पर, तो आप इन क्रिस्टल लैंप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज कि थोड़ी सी रोशनी से बिल्कुल जगमग दिखाई देते हैं और आप इनसे दे सकते हैं अपने घर को कंटेंपरेरी लुक। जैसा कि आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा बयान आया कि जहां जहां राहुल गांधी गए, जहां जहां सोनिया गई, वहाँ वहाँ हमने सीट जीती, क्या इससे ज्यादा उम्मीद थी कि और ज्यादा सीटें आ सकती थी? कि आपको इन 30 दिनों में किस तरह का बदलाव महसूस हो रहा है, क्योंकि तमाम दावे किए गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में जो दावे किए गए हैं उन्हें जमीन पर भी उतारा गया? आजादी के बाद से अयोध्या ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सियासत हुई और बदस्तूर होती आ रही है। सरकारों ने बड़े बड़े वायदे किए लेकिन विकास अयोध्या से कोसों दूर रहा।